Hey guys, thank you so much for coming back. मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट का नाम हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए बच्चों लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। अगेन बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जी हाँ, ये हमारी एक अंडर ग्रेजुएट लेवल की डिग्री कोर्स है ये, और इसकी पॉपुलरिटी बहुत ही ज्यादा है। इनकेस अगर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वर्क करना है या कॉर्पोरेट एमएनसीज वगैरह में भी वर्क करना है, जहां पर इन्फॉर्मेशन एनालिसिस वगैरह, डाटा एनालिसिस वगैरह या लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर, लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो जॉब प्रोफाइल होती है, उन प्रोफाइल में अगर वर्क करना है तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डिग्री कोर्स है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, वन बाय वन में सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। कौन सी जॉब प्रोफाइल है, कोर्स की फी क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, पढ़ाया क्या जाता है, कौन से टॉप इंस्टीट्यूट है, सब कुछ ए टू जेड बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए सबसे पहले कोर्स का नेम क्या है, देखिए शॉर्ट फॉर्म BLIB.I.SC, थोड़ी लंबी फुल फॉर्म है लेकिन इसको सिंप्लीफाई हम कर देते हैं, जो कि है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसका फुल फॉर्म है। अब मीनिंग क्या होती है लाइब्रेरी साइंस वगैरह की, मीनिंग क्या होती है या हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या होता है इस जॉब प्रोफाइल में, यहां पर देखिए बच्चा लोगों, मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी रॉ इंफॉर्मेशन होती है या जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मेंटेन करके रखना। मेंटेन क्यों करना, प्रिजर्व क्यों करना या उसको ऑर्गेनाइज करके क्यों रखना, ताकि जब उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े वो इंफॉर्मेशन हमारे पास उस वक्त अवेलेबल हो। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए आगे है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स के लिए। यहां पर बच्चा लोगों, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। तो सिंपल सा हमें यह समझ में आ रहा है कि 12th के बाद ये बैचलर डिग्री नहीं करी जा सकती, इसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। चाहे आप BA करिए, BCom करिए, BSc करिए, BTech करिए, BCA करिए, कोई भी एक प्रोफेशनल या एक रेगुलर डिग्री कोर्सेज के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक साल का बैचलर लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का हमारा डिग्री कोर्स है। क्लियर हो रहा है बच्चों लोगों? ये हमारा एक साल का डिग्री कोर्स है। एक साल में आपके दो सेमेस्टर होते हैं जो कि आपको पास करने पड़ते हैं। इसके बाद फिर आप जॉब प्रोफाइल में या वेरियस जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं या फिर कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आपकी जॉब लग जाती है, राइट? आगे बात करें, एडमिशन प्रोसेस इसका मेरिट बेस्ड होता है। दैट सिंपली मींस कि ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज थी, 12th में कितनी परसेंटेज थी, दोनों कंबाइन होके आपका जो एडमिशन रहता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, वहां पर आपका मदद करता है। तो 12th की परसेंटेज, ग्रेजुएशन की परसेंटेज अगर ठीक ठाक होती है तो आप इजीली एडमिट हो जाते हैं किसी भी टॉप रेनॉन्ड कॉलेज में, जो कि बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स को अवेलेबल कराता है या प्रोवाइड कराता है, राइट? चलिए आगे कोर्स फी की बात करें तो समवेयर अराउंड 10,000 फॉर कंप्लीट वन ईयर और इन बिटवीन 75,000, मतलब 10,000 से लेकर 75,000 के बीच नियर अबाउट आपकी कोर्स की फी रहती है। डिपेंड करता है क्या कॉलेज है, कितना फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेटर है, प्लेसमेंट फैसिलिटी कैसी है, उसके बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा फीस चार्ज होती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो बहुत ही कम फीस में, 10,000 से 20,000 में ही आपका पूरा ये डिग्री कोर्स कंप्लीट हो जाता है, राइट? तो डिपेंड करता है कैसा आपने परफॉर्म करा है अपने जो ग्रेजुएट लेवल पे जो, या फिर 12th लेवल पे जो परसेंटेज है उसमें भी मैटर करता है, और प्लस डिपेंड करता है कैसे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हैं, राइट? चलिए आगे है, जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप जैसे ही आपका एक ईयर का कोर्स कंप्लीट होता है, आप एज अ लाइब्रेरियन, एज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, लाइब्रेरी ऑफिसर, इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट या कोऑर्डिनेटर वर्क कर सकते हैं।
राइट आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह में ज्यादातर ये देखा होगा, कॉलेजेस में, स्कूल्स वगैरह में, कि लाइब्रेरी टीचर्स होते हैं, उनका मेन काम यही होता है इंफॉर्मेशन बुक्स वगैरह को कोऑर्डिनेट करना, ऑर्गेनाइज करना और मेंटेन करके रखना, राइट। चलिए, और इन सब चीजों की बच्चा लोगों गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलती है, तो वहां पर आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होना बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, या वहां पर स्पेसिफिक कर देते हैं कि भैया ये डिग्री है तभी आप उस गवर्नमेंट जॉब के लिए या लाइब्रेरी गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब लाइब्रेरी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर अगर आपको लगना है तो ये डिग्री आपके पास होनी कंपलसरी है, यस और नो। चलिए, एवरेज सैलरी की बात करें तो समवेयर अराउंड 2 लाख से 6 लाख पर एनम आपकी सैलरी जा सकती है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा आपकी सैलरी लेवल भी इंक्रीज होते रहेगी, बढ़ते रहेगी, हो रहा है क्लियर। चलिए, सिलेबस की अगर बात करें तो नियर अबाउट 2 सेमेस्टर में आपका सिलेबस बटा है, एक सेमेस्टर में नियर अबाउट 5 से 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी इतना ही आपका कॉम्बिनेशन रहता है। कुछ सब्जेक्ट मैंने यहां पर ले रखे हैं आपको बताने के लिए, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी आपका होगा, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी होगा, मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस भी होगा, इंफॉर्मेशन साइंस रहेगा, डिजिटल लाइब्रेरीज के आपको नॉलेज दी जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, इमर्जिंग इश्यूज इन ए लाइब्रेरी सिस्टम, ये ऐसे कुछ करके आपके सब्जेक्ट होंगे, या ऑलमोस्ट यही आपके सब्जेक्ट होंगे, सिर्फ ये नहीं इसके अलावा भी आपके सब्जेक्ट होंगे, छोटी मोटी इंटर्नशिप हो सकती है, प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, जो कि आपको और ज्यादा इक्विप बनाएगा और ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा अपने इस कोर्स में, पूरा बच्चों क्लियर। चलिए, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस की ये डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा में है, गुजरात में है हमारी। तो ये कुछ चुनिंदा ऐसे कॉलेजेस हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट हर अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री प्रोवाइड कराती है, तो आप इन कॉलेजेस या फिर वो जो आपके प्रिफर्ड लिस्ट में है, प्रायोरिटी है जिन कॉलेजेस की, उनमें आप इस कोर्सेस के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर समवेयर आपको लाइब्रेरी फील्ड में ही अपनी इंफॉर्मेशन प्रिजर्विंग मेंटेनिंग फील्ड में ही अपना कैरियर बनाना है, देखिए अगर फ्रेंकली अगर मैं बात करूं तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, क्योंकि बहुत कम बच्चे, मतलब 10 में से 2 बच्चे ही ऐसे कोर्सेज करते हैं, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, राइट। तो जब भी इनकी वैकेंसी निकलती है तो जिन बच्चों ने भी ये करावा होता है उनकी तुरंत ही जॉब लग जाती है, क्योंकि बीकॉम बीएससी अगर आप देखेंगे तो लाखों लोग करते हैं, ऐसे कोर्सेज की तरफ थोड़ी नजर कम जाती है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशन में लाइब्रेरी हेड की, लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर की, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती होती है, तो इन बच्चों को जिन्होंने ये कोर्स करावा होता है उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है, हो रहा है बच्चों क्लियर। तो उम्मीद करता हूं इस कोर्स से रिलेटेड आपका सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उसका सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे वीरिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। चलिए बच्चों लोगों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मतलब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।